प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है और प्रेम के रास्ते पर जब इंसान चलता है तो दुनिया वाले उसे चलने नहीं देते। हम देखते हैं कि जब जब इंसान ने प्रभु को पाने के लिए कदम बढ़ाए, जब जब इंसान ने चाहा कि वो असलियत को जाने, तो उस समय के लोगों ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें लाईं। महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम इंसान जब उन महापुरुषों के साथ जीते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ें देते थे। हिस्ट्री में बहुत से वाक्य ऐसे हैं जिसमें कि उस समय जो सच्चाई को समझाने की कोशिश करता था, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता था, जो प्रेम जो हमें हर एक के साथ होना चाहिए उसके बारे में बातचीत करता था, उसे उस समय के लोग सही नहीं समझते थे। और कई साल बाद, उनके जाने के बाद, कुछ इंसानों को समझ में आना शुरू होता है कि जो वो बता गए थे वो सही था। इसीलिए आज कई धर्म हैं, कई महापुरुषों को लोग याद करते हैं। और हिस्ट्री की ओर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई याद करता है तो वो महापुरुष हैं, जिनके नामों के बाद कई धर्म चले और कई रास्ते निकले, जो सच्चाई के रास्ते हैं, वो रास्ते जो हमें प्रभु की ओर खींच के लेके जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो उनकी ज़िंदगी को बहुत नज़दीकी से जानते हैं, और उनके अपने अनुभव जो उनको हुए उसके ज़रिए जो प्रेम का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, उसमें इंसान के साथ होता क्या है, उन्होंने अपने शब्दों में हमें समझाया है, ताकि हम जब सच्चाई की ओर बढ़ें, जब प्रेम के रास्ते को अपनाएं, जब प्रभु की ओर कदम बढ़ाएं, तो हम उसकी जानकारी पा सकें और उस समय ये ना समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। महापुरुषों के लफ्ज जब कहे जाते हैं तब सच होते हैं और हजारों लाखों सालों के लिए सच रहते हैं, और उनके लफ्ज हमें सही दिशा हर समय दिखाते रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, प्रभु को पाने के रास्ते के बारे में कहा। एक शिष्य किन किन स्टेजों में से गुजरता है उसके बारे में कहा, और हमें समझाया कि हम जब अलग अलग स्टेजों में से गुजर रहे हैं तो हम घबराएं नहीं, हम दिल ना हारें कि शायद हम अकेले हैं। सबसे ज़्यादा दुख जब इंसान को होता है वो तब होता है जब वो सोचता है वो अकेला रह गया, कि उसका कोई संगी नहीं, कोई उसको साथ देने वाला नहीं, कुछ उसको मदद करने वाला नहीं। और ये हम सबके साथ होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये अनुभव होने शुरू होते जाते हैं कि वो भी हमसे दूर हो गया, वो भी दूर हो गया, इसका भी कुछ मतलब था, उसका भी कोई मतलब था। और इंसान उस समय में जब कि वो समझता है कि वो अकेला है तो घबरा जाता है, और उस घबराहट में हम सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ये ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं रहा। और फिर इंसान सोचता है कि जीना क्या है, जल्दी से हम इस शरीर को छोड़ दें। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हम कभी भी ना समझें कि हम अकेले हैं, हम ये जानें कि अकेलापन
हमारे अंग संग कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारे सच्चे मित्र हैं, जो हमारे सच्चे प्रीतम हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे लगाव करते हैं, जो पिता परमेश्वर है, वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। तो वो भय, वो डर जो इंसान के अंदर आता है जब वो अपने आप को अकेला समझता है, और जैसे उम्र बढ़ती चलती है, हर एक इंसान सोचता है अकेला होता चला जाता है, क्योंकि थिंग्स इन लाइफ हैपन, जैसे लगता है कि भाई मेरे अंग संग कोई है नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की एक गजल, जिसमें के अलग अलग चीजें हम सबके साथ क्या होती हैं, हम इस दुनिया में जीते हैं तो वहां हो क्या रहा है और उसको हमने लेना कैसे है, ये इस गजल के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया है। ये दुनिया रंग बिरंगी दुनिया है, तरह तरह के रंगों से भरी हुई है। बाहर की ओर देखते हैं तो कई चीजें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, पहाड़, नदियां, प्लांट्स, बर्ड्स, नेचर की चीजें जो यहां इस धरती पर बनी हुई हैं, वो हमें अपनी ओर खींचती हैं। हमारा दिल करता है हम उनमें और जाए, समुन्द्र के किनारे पे जाओ तो दिल करता है इंसान वहीं बैठा रहे, वहीं बैठा रहे, वहीं बैठा रहे। एक लहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, और आप वहाँ घंटों घंटों बैठे रहते हैं और आपको अच्छा लगता है। फिर आजकल के टाइम में तो इंसान ने बिल्डिंग्स बनाई तरह तरह की, और बहुत सी चीज़ें हैं आसमान की, और रात को देखो सितारे टिमटिमा रहे होते हैं, चंद्रमा की अपनी खूबसूरती है, दोपहर में बारिश के बाद रेनबोज, और हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं, अपना समय वहाँ गुजारना चाहते हैं। और इस दुनिया के रंगों को देख कौन रहा है? देखने वाला, तो देखने वाला कौन है जिसे हम अपना असली आपा कहते हैं, हमारी आत्मा? वो आत्मा चेतन है, कॉन्शियस है, और जो ये दुनिया बनी हुई है ये माया की बनी है। तो इस दुनिया में जीते हुए अगर हम सोचें कि जो दृश्य है, जो देखने वाला, जो दृश्य है, जो दिख रहा है, ये दोनों एक में खोजेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम उसमें जाकर घुल मिल सकते नहीं, क्यों? क्योंकि देखने वाला चेतन है और दृश्य जड़ता से बना हुआ है, माया से बना है, दोनों का मेल कभी हो नहीं सकता। एक किसान है, वो धरती पर काम करता है, लेकिन इंसान इंसान है, धरती धरती है। एक मछली है, पानी में रहती है, लेकिन पानी जैसी हो नहीं सकती। यही हालत हमारी, हम लोग इस दुनिया में जीते हुए सोचते हैं कि हम दुनिया के रंग में रंगे जाएं, उस जैसे हो जाएं, और ये पॉसिबल नहीं। इसलिए हलचल 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 जब जब हम दुनिया की ओर बढ़ेंगे हमारे साथ होती रहेगी, क्योंकि जो असलियत है वो ये है कि हम जड़ता के नहीं बने, हमारा शरीर जड़ता का है, इसीलिए शरीर वापस फिर जड़ता में ही चला जाता है। लेकिन जो हमारा असली रूप है, जो कुछ देख रहा है, वो ये आंखें तो नहीं देख रही, ये आंखें तो जरिया है जिसके साथ हम कुछ देख पाते हैं, ये कान सुन नहीं रहे, कान सिर्फ बने हुए हैं ताकि सुनने वाले तक पहुंच सकें। तो देखने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? वही हमारा असली रूप है, और उस रूप की जानकारी पाना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने सोचा कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और यही शरीर है जिससे सब कुछ होता है, तो फिर असलियत को हमने जाना नहीं।
तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने एटमॉस्फेयर में खुश होने की कोशिश करते हैं। अब जैसे बच्चे होते हैं तो वो अपने दोस्तों मित्रों के साथ मिलकर बड़े खुश रहते हैं लगते हैं, थोड़े बड़े होते हैं कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर फ्रेंडशिप्स और डेवलप होती हैं, कामकाज करने लगते हैं, शादी हो जाती है लोगों की, पति पत्नी बाल बच्चे अपने परिवार में इंसान खुश होने खुश होता है, लेकिन खुश कोई भी नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ हलचल लगी रहती है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस दुनिया के जड़ता के बने हुए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने शेर में बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है पूरा ये सीन, किस सीन में हम जी रहे हैं। तो फरमाते हैं कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना। मनाजर होता है जो अलग अलग नज़ारे देख रहे हैं, जैसे कुछ भी देख रहे हो आप कहीं भी गए हुए हो, तो पलट के आई मनाजर से हर नजर तना के जब कुछ भी हम देखते हैं और सोचते हैं यहाँ से मुझे खुशी मिलेगी। लेट्स से कोई रॉक बैंड आ हुआ है दिल्ली में और आपको म्यूजिक का बड़ा शौक है, तो बड़े खुशी से जाते हो उधर। ये कोई और अट्रैक्टिव चीज है जो हो रही है, प्ले हो रहा है कोई, कुछ और हो रहा है, समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ और हो रहा है, तो आप लोग बड़े शौक से जाते हो उसको देखने के लिए, यहाँ बड़ा मजा आएगा। तो कह रहे हैं कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना, कहते जो भी जाता है, जो जाता है दुनिया की किसी भी अट्रैक्टिव चीज को देखने के लिए, उसे जब वापस आता है तो क्या होता है कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना, वो जब वापस आती है तो वो कुछ भी उसके साथ नहीं आता, सबका सब वहीं रह जाता है। तो इंसान अकेला ही वापस आता है, तन्हा होकर, अलग होकर, सबसे अलग घर में वापस आए, जो क्रिकेट मैच था उधर रह गया, जो रॉक बैंड था उधर रह गया, जो कोई और प्ले चल रहा है उधर रह गया, किसी की शादी में गए उधर रह गए, किसी का कुछ और हुआ उधर का उधर रह गया। इंसान खुद अकेला तन्हा उन चीजों से तन्हा रहता है। और फरमा के रहा जहाने तमाशा में दीदा वर्तना, वो कह रहे जो जहान का तमाशा है, जो ये दुनिया का खेल है, जो माया का खेल है, जिसमें चीजें ये भी अट्रैक्टिव लगता है वो भी अट्रैक्टिव लगता है उसमें रहे, तो दीदावर कौन है? दीदावर है जो सच्ची आंख से देखने वाला हो। तो सच्ची आंख से देखने वाली क्या चीज है? हमारी आत्मा। जो हमारी आत्मा है कि रहा जहाने तमाशा में दीदावर तना, कि जो सच्चा हमारा रूप है, जो हमारी आत्मा है, वो इन सब बाहर की चीजों से अलग रहती है। अगर ये इंसान को समझ आ जाए तो फिर ये बाहर की कोई भी चीज उसको अपनी ओर खींच नहीं पाएगी, क्योंकि उस इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि ये सब माया का खेल है, चंद क्षणों के लिए है, कभी हम यहां खिंच जाते हैं, कभी वहां खिंच जाते हैं, कभी वहां खिंच जाते हैं, कभी वहां खिंच जाते हैं, और उसके बाद फिर हम इन सब चीजों से अलग, सबसे दूर रहते हैं। और जब ये इंसान की समझ में आता है तब वो फिर बाहर की चीजों में भटकता फिरता नहीं है। तुलसी साहब ने भी एक जगह ऐसी फरमाया, कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए। तो वो कहते हैं कि हे सच्चे इंसान, तुम प्रभु को पाने के लिए, सच्चाई को पाने के लिए, अच्छाई को पाने के लिए तो क्यों भटक रहा है? कभी यहां भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी बाहर है। तो रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए, कि जो प्रभु को पाने का रास्ता वो अंदर, जिसे सुषुम्न नाड़ी कहा गया, जिसे मिडिल वे कहा गया, एक ईड़ा है, एक पिंगला और एक सुषुम्न नाड़ी का रास्ता, एक लेफ्ट वे, राइट वे, मिडिल वे। तो कह रहे हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे भीतर है, और ये जो सेंट्रल वे है सुषुम्न नाड़ी का रास्ता, उसको ही शारग कहा गया। कि तुम क्यों भटक रहे हो? कभी यहां भाग रहे हो खुशियों को पाने के लिए, कभी वहां भाग रहे हो, कभी वहां भाग रहे हो। अब जैसे कई वंडर्स दुनिया में, नहीं 7 wonders इन द वर्ल्ड, 8 wonders भी कोई ना कोई ऐड करता रहता कुछ ना कुछ, तो लोग देखने जाते हैं, कोई दुनिया के इस कोने में देखने जा रहा है, कोई सो जा रहा है, कोई आईफिल टावर देखने जा रहा है, कोई ताजमहल देखने जा रहा है, कोई
कुछ और देखने जा रहा है कि ये चीजें बड़ी खूबसूरत हैं, दुनिया के इनको सबसे वंडरफुल चीजें कहा जाता है। तो कॉन्शियसनेस के लिए तो ये सब बाहर की चीजें हैं, इनसे उसको खुशी नहीं मिल सकती। उसको खुशी कहां से मिलती है? जब वो प्रभु की नजदीकी पाती है। जब हमारी आत्मा प्रभु की नजदीकी पाएगी तो उसको खुशी मिलेगी। तो प्रभु की नजदीकी इंसान कहां से पाता है? अपने आप तो पा नहीं सकता। अगर अपने आप पा सकता तो फिर तो वापस प्रभु के अंग संग ही होता, यहां आने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें हमें मदद चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स टू द आईज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सदगुरु की नजरों से आता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने सदगुरु के जो दो नैन थे, जो दो ये भारी आंखें थे, इनको पूल्स ऑफ डिवाइन नेक्टर कहते थे कि यहां से रूहानियत के खजाने हम तक आते हैं। जो प्रभु से प्रेम करने की शक्ति है वो हमें वहां से मिलती है। और जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं और उनके जरिए प्रभु को पाने के रास्ते को पाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रास्ता उनकी नजरों से हमारे नजरों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक और उनकी रूह से हमारी रूह की गहराई तक पहुंचता है। और जब वो प्रेम का रास्ता हमारी आत्मा से आके जुड़ता है तो उसमें एक हिलोर उठती है। हम अंदर से ये अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि जो बाहर के वंडर से कहीं भी ज्यादा है। सबसे पहली चीज जो हम अनुभव करते हैं वो है प्रभु का प्रेम। प्रेम क्या है उसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। प्रेम में होता क्या है उसको भी बयान करना मुश्किल है। जिसको प्रेम हो गया उसी को समझ में आता है कि हो क्या रहा है। प्रेम एक ऐसा खिंचाव है जो हमें यहां फर्शों से अर्शों तक पहुंचा देता है। एक ऐसा लगाव है जो हमें हर समय ब्लिसफुल स्टेट में रखता है। एक ऐसी हलचल है जो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चल जाती है। और जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया, और जिसने प्रेम किया उसी को वो अनुभव होता है। लिख के, पढ़ के, सुन के ये अनुभव हो नहीं सकता। ये पात्र अवस्था में जाने से ही पाया जाता है। ये अपने आप को शुद्ध करके पाया जा सकता है। ये अपने आप में सद्गुणों को ढाल के हम तैयार हो सकते हैं उस प्रेम को पाने के लिए। लेकिन कोई भी ऐसी किताब नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हम जाएं वो कहें जी आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आपको प्रेम हो जाएगा। ये एक खिंचाव है, एक लगाव है जो पिता परमेश्वर की और हमारे सतगुरु के जरिए हमारे अंदर आता है। वो जो प्रेम जिसे आत्मिक प्रेम कहा गया, स्पिरिचुअल प्रेम, लव कहा गया, वो जब हमारे अंदर जागृत होता है तो फिर खुशियां ही खुशियां हमारे अंग संग रहती हैं। क्योंकि एक सतगुरु का प्रेम जब हमारी और आता है तो होता क्या, वो हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ देते हैं। जिसे शब्द कहा गया है, नाम कहा गया है, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया है, होली वर्ड कहा गया है, वो सत्ता जो हमारे अंदर चल रही है बट हमें कोई तरीका नहीं आता उसके साथ जुड़ने का। तो जैसे आप में से बहुत से पढ़े लिखे इंसान हैं यहाँ जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, तो अगर दो एलिमेंट मिल नहीं रहे तो एक तीसरा कैटलिस्ट डालो तो दोनों मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा इस शरीर में है और प्रभु का शब्द भी इस शरीर में चल रहा है। प्रभु और उसका शब्द अलग नहीं, वो एक ही है। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो ये हमारे सद्गुरु
कि नजरे करम है उनकी ओर से जो रूहानी प्रेम हमारी ओर आता है, हम उस ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हम उस ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं तो हमारा ध्यान इस बाहर की माया की दुनिया से हटकर असलियत की ओर बढ़ता है। और जैसे वो असलियत की ओर बढ़ता है तो एक और वंडरस चीज होती है कि हम फिर एक मस्ती के आलम में पहुंच जाते हैं। कोई चीज आपको बहुत खूबसूरत लगे तो आप उसमें मस्त हो जाते हैं, और जो प्रभु का शब्द है उससे ना कोई चीज मधुर है और ना ही चीज कोई खूबसूरत है। जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो वो मस्ती का आलम जिसमें इंसान हर पल मस्त रहता है वो हमारे ऊपर छा जाता है, और उस मस्ती के आलम में इंसान फिर उस स्टेट पे पहुंचता है जहां वो आलम खत्म नहीं होता, वो टाइम जैसे एक्सपैंड कर गया, वो जिसे अनंत की जिंदगी बोल दो, एंडलेस लाइफ, वो जो मोमेंट है वो ऐसे एक्सपेंड करता है जैसे इन्फिनिटी हो गया। और वो अनुभव सदा सदा के लिए हमारे साथ रहना शुरू हो जाता है। अंदर की मस्ती हमें शांति की अवस्था में पहुंचानी शुरू कर देती है। हम और शांत और शांत और शांत होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे उस शांति का आलम हमारे अंग संग होता है तो हमारी प्रभु के साथ नजदीकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक सदगुरु की नजरे करम हमें ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ते हुए, मस्ती के आलम में पहुंचाते हुए, शांति और आनंद की स्टेट में पहुंचाते हुए एक इटर्नल लाइफ, वो लाइफ जो कभी खत्म नहीं होती, उसकी ओर पहुंचा देती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा मिलन अपने पिता परमेश्वर के साथ हो गया, हम अपने आप को अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन पाते हैं। हम जैसे अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और हमारे सद्गुरु हमें मदद कर रहे हैं अंदर की दुनिया में जाने के लिए, तो हमारे कदम बड़ी तेजी से हमें पिता परमेश्वर की ओर खींचते हैं। पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म को पार करते हैं सचखंड में पहुंचते हैं। तो पहले हम अपने सद्गुरु में लीन होते हैं, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। तो वो सदा सदा के आनंद की स्टेट है, वो लिमिटलेस लाइफ, एंडलेस लाइफ की स्टेट है, वो रियलाइजेशन है कि हम प्रभु से अलग नहीं, हम उन्हीं का हिस्सा हैं। और जो अकेलापन जिंदगी में आ जाता है जब हम मिल नहीं पाते, जब हम सोते हैं और कोई हमारे नज़दीक नहीं, जब हम सोते हैं कि जिनके साथ हम होना चाहते हैं पिता परमेश्वर के साथ उनसे हमारी दूरी है, ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं क्योंकि हम हर पल हर क्षण अपने अंदर पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाते हैं। ये रियलाइजेशन करना कि हमारा असली स्टेट इस दुनिया की चीजों से अलग है वो बहुत जरूरी है। अगर हम जिंदगी भर जीते रहे ये दुनिया की चीजों, इधर भी हिलमिल लें, उधर भी हिलमिल मिले, यहाँ भी सर्कल में जाएं, उस सर्कल में जाएं, यहाँ भी खुश हो वहां भी खुश हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इंसान दुखी है, वो चेतन होकर जड़ता में खुशी को पाने की कोशिश करता, वहां से उसको कभी भी नहीं मिलती। कोई छोटी उम्र में दुखी होता है तो कोई बुजुर्ग होकर दुखी हो जाता है, बट समवेयर लॉन्ग द लाइन हर एक इंसान दुखी हो जाता है लाइफ से, क्योंकि देयर नथिंग इन लाइफ विच कैन गिव अस परमानेंट हैप्पीनेस। तो हर एक चीज यहाँ की टेम्पररी है, थोड़े क्षणों के लिए है, और जितना ज्यादा उस ओर हम ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा दुख पाएंगे। तो जितना जल्दी अपना ध्यान असलियत की ओर कर पाएंगे उतना ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही फरमा रहे कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना, रहा
जहाने तमाशा में दीदा वर्तना, कि दुनिया के जितने भी नजारे हैं वहां पर जितना भी हमारी नजर जाती है उसके बाद वापस आती तो अकेलापन, उसके अंदर हम हिल मिल नहीं सकते। और ये जानना कि जो देखने वाला है हम चेतन हैं, और ये जानना कि जो जहान का तमाशा है, ये जो दिख रहा है, ये सब जड़ता है, वो अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। कब होगा? जब असलियत की कोई जानकारी होगी। अगर सारा ध्यान सुबह से शाम तक सिर्फ बाहर की चीजों में रहा, अगर ऑल आवर लाइफ स्पेंड जस्ट गोइंग हेयर गोइंग देयर गोइंग देयर, और हमने कभी अंदर की दुनिया में झांका ही नहीं, कभी उस और कदम ही नहीं बढ़ा, तो उसकी हमें जानकारी नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि वो भी है। हम सोचते हैं ये बाहर की दुनिया सब कुछ है, क्योंकि अंदर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं, हमें कभी समय नहीं निकाला उसको ढूंढने के लिए, उस और जाने के लिए, तो उसका पता कैसे लगे। लेट्स से आप यहाँ बैठे हो, आप कहते हो ऑस्ट्रेलिया जाके देख के आता हूँ, बड़े आजकल नाम ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है, तो आपको वहां के लिए पहले पता करना पड़ेगा, टिकट खरीदोगे, वहां पे जाओगे, समय निकालोगे, घूमोगे, सिडनी जाओगे, मेलबोर्न जाओगे, एडलेड जाओगे, गोल्ड कोस्ट जाओगे, अलग अलग जगह देखोगे, उधर ब्रिस्बेन गए, तो आप घूम फिर के आते हो, आपको पता ये भी है, तो कुछ समय निकालते तभी पता लगता है। अब अंदर की दुनिया में जाने के लिए भी तो समय निकालना है। अगर सारा समय ऑस्ट्रेलिया देखने में निकल गया तो फिर अंदर का तो कुछ पता नहीं ना लगेगा। सो वी नीड टू फाइंड द टाइम कि भाई ये भी कुछ है, हमको पता ही नहीं, अगर हो कि कुछ है फिर तो उस ओर जा ही नहीं सकता इंसान। तो सबसे पहले तो पता करना कि कुछ है इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी हैव टू टेक स्टेप्स टू गेट टू आवर गोल। और जब दुनिया में घूम लो आप, यूरोप भी हो है, साउथ अमेरिका भी हो है, अफ्रीका भी हो है, ऑस्ट्रेलिया भी देखा है, मिडल ईस्ट भी देखा है, सब चीजें देख दुखाओ, उसके बाद रहना तो आपने अपने साथ ही है ना, क्योंकि वो सब टेम्पररी स्टेट्स हैं जिनमें से आप गुजरते हो। तो असलियत की ओर अगर ध्यान नहीं दिया और ये बाहर की चीजों में हम लगे रहे, तो फिर हम कुछ भी पाए बगैर इस सुनहरे मौके को गवा देंगे। प्रभु ने हमें मानव चोला दिया है, एक ऐसा मौका दिया है जिसमें हम असलियत को जान सकते हैं, तो कुछ एफर्ट तो हमको भी पुट इन करना पड़ेगा ना, कुछ हमें भी इस चोले का फायदा उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि आप जमाने की जितनी मर्जी चीजें देख लो, आपको समझ ये आ जाना चाहिए कि उसमें आप हिल मिल नहीं सकते इस जमाने में। अटेंशन आपकी चेतनता की ओर होनी चाहिए, तभी सब खुशियां मिलेंगी, तभी आनंद मिलेगा आपको। आगे फरमा रहे हैं, जिस स्टेट में से हम गुजर रहे हैं, जो आजकल का समय है, उसकी बातचीत कर रहे हैं कि कहां नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप। वो कह रहे हैं टाइम्स हैव चेंज, पुराना समय था, फैमिली इकट्ठी रहती थी, प्यार मोहब्बत बनी रहती थी एक दूसरे में, अब क्या, अब लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज, दो बच्चे इसके, एक बच्चा उसका, वो भी अलग, वो भी अलग, वो भी अलग, और कोई यहाँ काम कर रहा है, रहते दिल्ली में हो, बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं और, काम कहीं और मिला, तो फैमिली सब डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। तो कह रहे हैं कि कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप। कह रहे ये टाइम ऐसा हो गया कि जैसे जैसे इंसान थोड़ा पढ़ लिख जाता है और थोड़ा उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ता है और वो अपने आप कमाने के लायक हो जाता है, उसकी डिपेंडेंस और लोगों की फैमिली से हटती है, तो अपने आप को अलग समझता है। प्यार वहां बढ़ता है जहां पे थोड़ी सी डिपेंडेंस हो। पुराना समय था, सब लोग इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे को डिपेंडेंट थे, घर में कुछ मुश्किल भी आ गई तो कोई सम अदर पार्ट ऑफ द फैमिली केम अप और उसको मदद कर देता था इंसान, क्योंकि डिपेंडेंस थी एक दूसरे। आजकल का समय क्या है, इधर भी तीन चार अलग रह रहे हैं, इधर भी तीन चार अलग रह रहे हैं, इधर भी एक दो अलग रह रहे हैं, इधर भी एक दो अलग, तो हर एक बंदा इंडिपेंडेंटली अपना कर रहा है, तो कोई डिपेंडेंस नहीं रहे किसी की आपस में। और जब डिपेंडेंस नहीं रहेगी तो मिलाप होगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है मैं भी अपने घर में ठीक हूँ, आप भी अपने ठीक हैं, तो फिर प्यार मोहब्बत कहाँ से होगी, मिलाप कहाँ से होगा।
क्योंकि देर नो डिपेंडेंट, देर नो नीड फॉर एनीवन एल्स, एवरीवन सेल्फ सफिशिएंट, अपना अपना सब कर रहे हैं, तो अपने में लगे हुए हैं। और सुबह से शाम तक हो क्या रहा है, सारे इतने बिजी हैं, किसी और से बातचीत करने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि नाउ इट्स अ न्यूक्लियस। अब उस इंसान को तो अपने लिए टेक केयर करनी है, तो वो अपना इतना बिजी है सुबह से रात तक, अपने हिसाब किताब कर सकता है, किसी के लिए और समय नहीं। तो फरमा रहे हैं कि कहां नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप, मिला हजूम बसर में हर एक बशर समा। तो कह रहे हैं कि मिला, हजूम होता है कि जैसे मेला लगा हुआ है, इट्स अ बिग प्लेस वेयर लॉट ऑफ पीपल आते हैं, जहां बहुत सारे लोग हैं। तो बसर इज इंसान, तो मिला हजूम बसर में, वो कह रहे हैं ये धरती जहां पे इतने सारे इंसान हैं, हर एक बशर तना, हर एक इंसान या तना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर तो कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। और हम उस स्टेज में से गुजर रहे हैं जहां दुनिया की जानकारी पाते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हुए, इंसान सोचना शुरू हो जाता है कि उसके करके ही कुछ हो रहा है। जब इंसान इस स्टेज पे पहुंचता सोचता है मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, इस करके मेरे को फल मिल रहा है, तो उसकी डिपेंडेंस पिता परमेश्वर से भी अलग हो जाती है। जब इंसान सोचता है कि प्रभु की देन है कि मुझे खाना मिल रहा है, तो उसकी डिपेंडेंस पिता परमेश्वर पर होती है। लेकिन जब वो सोचता है हाँ मैं मेहनत करता हूं इसलिए मेरे को खाना मिल रहा है, तो फिर उसकी डिपेंडेंस पिता परमेश्वर से अलग हो गई, उसका लगाव पिता परमेश्वर से अलग हो गया, उसका प्रेम पिता परमेश्वर से अलग हो गया, और उनकी नजदीकी कभी हो नहीं सकती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि किसी भी दौर में से हम गुजरे, हम किसी भी टाइम्स में हो, कि पिता परमेश्वर को जानना, उनसे लगाव करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर जिंदगी बेकार है। संत महापुरुष वही लिखते हैं जिसका उन्हें अपना अनुभव होता है, जो उन्होंने खुद अनुभव करा है। तो ये इस गजल के जो शेर आज हमने लिए हैं वो संत दर्शन सिंह जी महाराज के अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं, और इनके जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम जाने कि हम चेतन हैं, हम जाने कि ये बाहर की दुनिया से हम अलग हैं, और हम जाने कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनके प्रेम का हमें अनुभव करना है, और उनको जब याद करेंगे, जब सद्गुरु के जरिए उनको याद करते हैं, तो फिर उनकी नज़दीकी हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहेगी, और जब उनकी नज़दीकी होगी तो हम खुशियों ही खुशियों से भरपूर रहेंगे, और यह उन्हीं का प्रेम है जो हमें खींच कर हमारी आत्मा को उनमें जोड़ देगा, उनमें मिला देगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊँचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।